कटिहार जिला के कदवा प्रखंड अंतर्गत परभैली पंचायत की कमरेली गांव में जहां आज़ादी के बाद नहस्तक गांव के प्रखंड को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पुल निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। आपको बताते चले कि कदवा प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाली मुख्य सड़क जो कि कमरेली गांव को जोड़ती है, उस सड़क पर आज़ादी के बाद अब तक पुल नहीं बनाए जाने से ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने मीडिया को बताया कि चुनाव से पहले नेता आते हैं और वादे कर चले जाते हैं, पर पुल नहीं बनता, इसलिए हम लोगों ने निर्णय किया है कि पुल नहीं तो वोट नहीं का नारा हमारी सरकार तक पहुंचे और सरकार का ध्यान आक्रोशित हो सके ताकि हम सभी को अपने मतदान का प्रयोग कर सके और अच्छी सरकार बनाकर देश को आगे की ओर बढ़ाने में अपनी सहभागिता दे सके। कदवा कटिहार से प्रभात कुमार सिंह की रिपोर्ट। पंद्रह में बालाजी कंस्ट्रक्शन के द्वारा इस कार्य को आरंभ भी किया गया था, लेकिन कुछ विभागीय कारण के वजह से जमीनी विवाद झूठ करार करते हुए उसको जो है आज तक ये काम स्थगित रखा गया है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करेंगे कि जो पुल का कार्य स्थगित किया हुआ है वो कार्य जल्द से जल्द होना चाहिए। पुल का कार्य जब तक नहीं होगा, यहाँ का जनता का कहना है कि यहाँ का बूथ बहिष्कार किया जाएगा। का मेन कारण है कि यहाँ गलत तरह से जमीनी विवाद का एप्लीकेशन दे दिया गया था, तो उसी के कारण से अब तक पुल निर्माण नहीं हुआ है। और हम लोग इस बार पूरे कमरेली ग्रामवासी जब तक पुल नहीं बनेगा तब तक हम लोग मतदान नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जब तक पुल बने तब तक हम लोग वोट करेंगे। इसीलिए हम लोग कमरेली ग्रामवासी वोट का बहिष्कार करेंगे और पुल जल्द से जल्द हम लोग सरकार से अनुरोध करेंगे कि जब जल्द से जल्द पुल निर्माण करे और या तो पुल का नींव दे, तब तक हम लोग वोट करेंगे, नहीं तो बहिष्कार करेंगे। ये आजादी के बाद से यहाँ का यही स्थिति है, ये कमरेली गांव का? जी जी, आजादी के बाद अब तक यही स्थिति है। लगभग हम लोग 6 महीना पानी हेलते हैं, पानी में तैर के अपना खेत उत जाते हैं, बच्चे लोग जाते आते हैं, महिलाएं लोग जाते आते हैं, बहुत कठिनाई होती है यहाँ पर। तो पिछले वर्ष जो बाढ़ आई थी, इस बाढ़ में यहाँ का क्या स्थिति था? बाढ़ जहाँ हम अभी खड़ा है, अभी यहाँ तो इतना छाती पानी था, लगभग जहाँ हम लोग छाती पानी था, यहाँ पर रहना मुश्किल था। इसलिए हम लोगों को जल्द से जल्द पुल निर्माण होना चाहिए, पुल निर्माण करना बहुत जरूरी है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार विश्वास है। इसके पहले भी अपना जो ये पुल अब तक आजादी के बाद नहीं बन पाया? देखिए, हम लोग का उम्र तो वही 37-38 का है और यहाँ आज़ादी के बाद बुजुर्गों के माध्यम से मालूम हो रहा है कि आज़ादी के बाद से अब तक ये पुल बना नहीं। 2015 में एक दो रोज इसमें काम भी चला था जिसके कारण बंद हो गया। अब क्या कारण हुआ, ये विभाग हम लोग को हाल फिलहाल ये पता लगा कि ये विभाग को किसी ने एक आवेदन दिया था जमीनी संबंध बोल के, क्योंकि ये आम बिहार सरकार जमीन है, जमीन का कोई विवाद नहीं है। जो हाल फिलहाल जिसके नाम से आवेदन दिया गया था उसी का नाम से हम लोग हैप्पी डिपिक करके पुनः विभाग को हम लोग आवेदन निरस्त करने के लिए सूचना दिए हुए हैं। उसके बाद आप बोलिएगा कि हम लोग कुछ नहीं, हम लोग यहाँ कार्यपालक अभियंता बारसोई में भी दिए हैं, उसके बाद तारिक अनवर का जो प्रखंड अध्यक्ष थे पहले एनसीपी में जो रहते थे उनको भी आवेदन दिए थे, तारिक अनवर को भी हम आवेदन दिए हैं। और 5 साल में हमारे देखिए बांध रोको संघर्ष समिति जो यहाँ कदवा में हम लोगों का लोकल नेता बहुत ज़्यादा संघर्ष करके ये बांध को रोका गया बांधने से, और आज हम लोग इधर 17 पंचायत ये बाढ़ के कारण हम लोग इतना परेशान है जो कि इसका कोई वर्णन नहीं। लेकिन तारिक साहब को हम लोगों ने पिछला बार बहुत सोच समझ कर, निखिल जी को मत नहीं देकर तारिक जी को दिए ताकि हम लोग का कुछ भला हो सके,
लेकिन तारिक जी भी वही हुआ जो आज 5 साल खत्म होने को है, लेकिन आज तक हम लोगों का धरती में नहीं आया। और मार्च 2015 में मेरा पुल का कार्य पूर्ण होना था, लेकिन अब 19 चल रहा है, पुल का कुछ ये नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ का जनता का फोकस है, बिल्कुल मजबूरी भी है कि जब तक ये पुल का कोई सुनवाई नहीं होता है तब तक जो है यहाँ का जनता वोट देने के लिए किसी को तैयार नहीं है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम निरंजन शाह है, हम एक जिला परिषद प्रत्याशी पति हैं और अभी भाजपा से मंडल महामंत्री हैं, और हम बहुत प्रयास किए हैं इसके लिए, इस विभाग को बहुत सारा सूचना दिए हैं और हम लोग का कोई जनप्रतिनिधि अभी सुन नहीं रहा है। हम लोग बहुत बैकवर्ड क्षेत्र से हैं, डेली हम लोग कटिहार बारसोई जा नहीं पाते हैं हम लोग। यदि आपकी मांग पूरी कर दी जाती है तो फिर आप सब अपना मत किन्हें देना चाहेंगे? अगर हम लोग का मांग पूरी कर देती है तो अभी हम लोग एनडीए के गठबंधन के तरफ हैं, क्योंकि अभी लोजपा जदयू भाजपा तीनों गठबंधन है, इसलिए हमारे यहाँ ज्यादातर भाजपा वोटर है, इसलिए गठबंधन है, गठबंधन होने की वजह से हम लोग भाजपा मोदी जी को सपोर्ट करते हैं।